गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टूडेंट्स आर जॉइनिंग नाउ। इज एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म एनीवन। यस सर, ऑडिबल। ओके, सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव टेक क्लास इन योर बैच। यस सर। यस सर। माय नेम इज निलेश कुमार, एज यू ऑलरेडी नो। यस सर। Yes, sir. Possible, you can, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, पॉसिबल हो तो थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा हमारे और आपके बीच, तो बेटर होगा, हम भी पहचान पाएंगे कौन से बच्चे हमारे हैं और किन्हें मैं बता रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए भी कंफर्टेबल होगा। इफ पॉसिबल यू कैन डू, क्योंकि देखिए मशीन लर्निंग है, हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो मशीन लर्निंग में आपको पता ही होगा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से एक है ये। यस सर, है कि नहीं? Yes, anyone? Yes, am I audible? Please confirm. Yes, sir, you're audible. Yes, sir, audible. So, possible तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, आई कॉन्टेक्ट भी हमारे साथ होगा तो बेटर होगा, है ना, हमारे लिए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ये नया है, और नया क्या मतलब है तो बहुत दिनों से है, लेकिन जो स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं तो ये उन लोगों के लिए नया है ना, क्योंकि इसका डिमांड आजकल मशीन लर्निंग तो एमसीए में पढ़ाई होता है ना। यस सॉरी, मशीन लर्निंग तो एमसीए में होता है ना सर। देखिए मशीन लर्निंग का जो है एमसीए, बीटेक, बहुत सारे कोर्सेज में है, बट ये आपको जैसा कि पता होगा एडम कोर्सेज में आपके कॉलेजेस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है इसको, ठीक है? यस सर, लेकिन जनरली सर एमसीए में ही हम देखें एमसीए के सिलेबस। ऐसा नहीं है कि एमसीए वाले ही मतलब इसको पढ़ते हैं। देखिए मशीन लर्निंग में भी दो तरह की चीजें होती हैं, है ना, एक होता है जो प्रोग्रामिंग पार्ट होता है, एक होता है इंटरनली, जैसे किसी पार्टिकुलर एल्गोरिदम को हमने लिया और उसके अंदर हम बात करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो दो तरह की चीजें होती हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वो आप लोगों को पढ़ना है, प्रोग्रामिंग पार्ट, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे हम ये सब चीजें प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे ही मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ना है, जो बेसिकली ग्रेजुएशन वाले को पढ़ना होता है, जिसमें भी आप भी आते हैं, क्लियर है? इसके भी दो पार्ट होते हैं। तो ये बताइए मशीन लर्निंग में किसी को कोई आइडिया है, आप में से किसी को प्रीवियस कोई, या किसी ने पहले से लर्न किया हो, या कोई आइडिया, या आप सबके लिए नया है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं उस हिसाब से चलूंगा, है ना, तो इसीलिए यदि आप लोग हमें अपडेट करें तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। कोई आइडिया नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि देखिए यदि आप लोग को, मुझे लगा कि हाँ आप लोग थोड़ा सा पहले से नॉलेज है आप लोग पास, तो मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, और यदि मुझे लगेगा कि नहीं आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम और आप भी पहली बार कर रहे हो, तो मैं थोड़ा स्लोली रखूंगा, और ताकि हर एक चीजों को मैं क्लियरली बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकूं, ठीक है? इसीलिए तो आप लोग ये नया है। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, पाइथन कितने लोगों ने पढ़ा है आप में से? क्योंकि यहाँ जो हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है, कितने लोगों ने पाइथन पढ़ा है, ये पॉसिबल हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से कोई एक जो हमें कोऑर्डिनेट कर सके, थोड़ा मैं उनको अनम्यूट कर सकते हैं, कोई आप में से? यस सर। ओके, ये बताइए पाइथन क्या आपके इससे पहले पढ़ा, मतलब आपके सिलेबस में था? यस सर, फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर, यानी आई होप कि पाइथन आपने पढ़ा ही होगा फिर। यस सर, क्योंकि यदि पाइथन नहीं पढ़े हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा आपको, देन हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सब चीजों को, क्योंकि मशीन लर्निंग थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और इसके लिए पाइथन मैंडेटरी है ना, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो पाइथन के हेल्प से इम्प्लीमेंट करने के लिए बताऊंगा, तो पाइथन का यदि बेसिक नॉलेज भी आपके पास है तो मोर देन सफिशियंट है।
ठीक है ना। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि पाइथन क्या सबको पता है या मुझे रिवीजन करवाना पड़ेगा। पता है सर। पता है। ओके सर, रिवीजन एक बार करवा दीजिएगा सर तो सही रहेगा, क्योंकि हाँ सर रिवीजन करवा दीजिए, रिवीजन करवा दीजिए सर सही रहेगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आप अभी ऐसी सिचुएशन में आ गए जब आपका मतलब कई जॉब है ना, अब या तो बहुत का जॉब हो भी गया होगा मुझे लगता है, या तो इंटरव्यू होने वाले होंगे है ना, तो आप लोग मतलब प्लेसमेंट के ओर बढ़ने जा रहे हो बेसिकली, और वहां पे आप जाओगे तो बेसिकली यदि आप मशीन लर्निंग पहले से एटलीस्ट नॉलेज रहेगा आपके पास, तो आपके लिए एक्सपोजर जो है वो पहले से ज्यादा भी हो सकता है ना। तो यही मेन टारगेट है जिसको आप लोग फोकस करके कीजिए तो बेटर होगा आपके लिए भी और बाकी सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना। चलिए तो मशीन लर्निंग तो हम बात करेंगे, तो मैं थोड़ा पहले पाइथन का थोड़ा सा रिविजन करवाऊंगा आपको। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं पूरे मशीन लर्निंग कोर्स में, ठीक है। पहली बात तो ये आपका एडम कोर्स है, आप सबको पता है, जो कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है ना, और इसमें हम मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। बट मशीन लर्निंग के से पहले कुछ प्रीक्विजिट चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या चाहिए आपको, प्रीवियस नॉलेज क्या होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि पाइथन मैंडेटरी है ना, यस सर। यस सर। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पाइथन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, तो आई होप कि बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगा, और यदि मैं रिवीजन फास्टली करवा दूं तो आई थिंक कि सबको चीजें याद आ जाएंगी, यस सर। यस सर। और स्पेशली मैं ये भी बता देता हूँ कि पाइथन में हर एक चीज आपको नहीं फोकस करना है। आपको लग रहा होगा कि पाइथन में मैं देखिए मैं क्लियर चीज बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जिसमें कि आपको लगे कि हाँ डिफिकल्टी महसूस हो, मैं सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा आपको कि पाइथन में भी हर एक चीज जो है आपको नहीं आनी चाहिए, जरूरी नहीं है आपके। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है, ठीक है, जो जिसपे आपको फोकस करना है और उसी को हम यूज करने वाले हैं मशीन लर्निंग। पहली बात तो पाइथन में प्रोग्रामिंग जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल बनाना ये सबसे ऑलरेडी आप जानते हो या जानते होंगे है ना। देन बच्चों बात आती है लूप यूज करना, आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो मैं बता दूंगा, ठीक है। इफ एल्स लूप, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं जो सबको आती होगी, आई होप सो, है ना। देन बच्चों बात आती है कि आपने एडवांस डेटा टाइप का नाम सुना होगा, सुना है पाइथन में, यस एनीवन। सर सुने हैं लेकिन जानते नहीं है। कोई बात नहीं, तो देखिए मैं इसलिए पूछता हूँ आप लोगों से, हो सकता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो भूल गए होंगे, मे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो यदि याद आए तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो पाइथन में जो है एडवांस डेटा टाइप आप ऑलरेडी जानते हो, जो इंटीजर फ्लोट ये सब होते हैं। एडवांस की बात करते हैं तो आपने सुना होगा लिस्ट का नाम सुना होगा, ट्यूपल, इसको टपल भी बोलते हैं बहुत सारे लोग है ना, ट्यूपल भी बोलते हैं, इट डजंट मैटर है ना, बट ये ट्यूपल ही है, ठीक है। देन बच्चों बात आती है कि आपने सुना होगा सेट्स और डिक्शनरी, ये चार चीजें आपने पढ़ा होगा। स्पेशली जो इसमें से जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो लिस्ट है, लिस्ट है ना। तो यहाँ पे हमारे लिए लिस्ट बहुत यूजफुल होने वाला है जब हम मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जब मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे तब। तो इसका मतलब यह है कि आपको लिस्ट पे कमांड होना चाहिए, लिस्ट पे कमांड मतलब ये नहीं कि आपको उस पर पीएचडी करना है, लिस्ट मतलब ये कि लिस्ट कैसे यूज करते हैं, उसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको रिविजन भी करवा दूंगा। लिस्ट के बाद बच्चों बात आती है कि आपने सुना होगा नंपाई का नाम सुना, कुछ मॉड्यूल्स का नाम सुना होगा, लाइब्रेरीज का नाम सुना होगा, सुना है पांडा और लाइब्रेरी, यस सर। कितने लोग सुने हो आप में से, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमें कि कम से कम रिस्पॉन्ड कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिएगा सारे बच्चे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं जहां तक पॉसिबल होगा मैं उतना आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपको जो है किसी इंटरव्यू में या ये आप कहीं भी जाए तो इंटरव्यू दे तो आपको उतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम मशीन लर्निंग जानते हैं, है ना,
ये मेरा मेन पर्पस है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया आपको कि कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, जैसे पांडा का नाम सुना होगा, नंपाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैट प्लॉट क्लिप का नाम सुना होगा, ये सब सुना है? यस सर। यस सर। का यूज हम क्यों करें? यस सर। चलिए, ये भी आप जानते हो। अच्छा ये बताए, पांडा, नंपाई और मैट प्लॉट क्लिप का क्या यूज है, किसी को पता है आप में से? देखिए आज हम बस फोकस करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप जानते हो, क्या हमें बताना है, इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे अभी, है ना। और हम पहला हमारा काम रहेगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग को पाइथन में कहाँ तक है, ताकि मैं उसके बाद या उसको भी रिविजन करवा सकूँ। बस मेरा ये पर्पस है आज का सेशन, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा क्या जरूरत है, क्यों पढ़ते हैं, सब चीजें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, नंपाई, नंपाई क्या होता है कोई बताओगे आप में से? मैट्रिक्स सॉल्व करने के काम आता है। अच्छा ये बताओ कि आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ा होगा, उसमें एरे का कंसेप्ट है, यहाँ पे पाइथन में एरे का कंसेप्ट है क्या? यस सर, लिस्ट के थ्रू भी एरे बनाया जाता है। लेकिन मानते हैं आपको एन डायमेंशनल एरे चाहिए, एरे मतलब मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए आपको, ये मैट्रिक्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो उसके लिए आपके पास नंपाई कुछ लाइब्रेरीज दिए हैं, जहां पे आप एरे जो है या मैट्रिक्स जो आपने सुना होगा, वैसी चीजों को आप वहां से यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते हो, उसको एन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, जो कि नंपाई में आपको अवेलेबल है। इतना ही नहीं, आप उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस भी गिवन है बच्चों, दिए गए हैं नंपाई में, जिसके हेल्प से आप अपने काम को आसान कर सकते हो, है ना। तो ये मेन चीज है नंपाई का यूज, मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल, नंपाई मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वाले रिलेटेड जो चीजें होते हैं उसके लिए हम न्यूमेरिकल पाइथन पढ़ते हैं, उसका उसी का पार्ट एक मॉड्यूल कौन सा है, नंपाई, पाइथन का ही मॉड्यूल है नंपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। पांडा का नाम पता है आप लोगों को, पांडा का क्या यूज होता है? सर कुछ मिसिंग डाटा को, यस डेटा मैनिपुलेशंस के लिए यूज है ना, पांडा का यूज है डेटा मैनिपुलेशंस के लिए, जो वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि डेटा कैसे मैनिपुलेट करते हैं उसके लिए। आपने सुना होगा डॉट सीएसवी फाइल भी होता है, है ना, टेक्स्ट फाइल भी, बहुत सारे फाइल्स भी होते हैं, तो वहां पे मैनिपुलेशन करना होगा तो उसके लिए आप यूज करोगे, है ना। एक लाइब्रेरी और भी मैंने बताया अभी आपको, मैट प्लॉट क्लिप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, हाँ विजुअल विजुलाइजेशन के लिए, है ना, या रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, वेरी गुड। तो मैट प्लॉट क्लिप मतलब बताओगे? तो मैट प्लॉट बेसिकली जैसे हमें कोई चार्ट बनाना है, हमें बॉक्स प्लॉट बनाना है, तो उसके लिए हम मैट प्लॉट मतलब विजुअलाइजेशन के, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे समझेंगे, तो उसके लिए एनालिसिस करना होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिसके थ्रू विजुअलाइज कर सके, और उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैट प्लॉट क्लिप। तो ये तीन लाइब्रेरी हम लोग देखेंगे जो मेन फोकस करेंगे, उसके अलावा ये जो पाइथन का मैं बता रहा हूँ अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पाइथन का रिविजन करवाऊंगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी जान लूँ कि आप लोग कितना प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में, ताकि हम उस हिसाब से अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को आपके साथ रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है ना, ओके। चलिए ये अच्छी बात है, तो एक काम करता हूँ मैं, क्या पाइथन स्टार्टिंग से तो पॉसिबल करूंगा तो मैं बहुत टाइम लेगा बच्चों, तो मैं एक काम करता हूँ कि लिस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ या लूप से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों, या आप बोलो तो मैं पाइथन को स्टार्टिंग से फास्टली निकाल दूं ताकि आप लोग को चीजें रिकॉल हो जाए सारी चीजें। स्टार्टिंग से, चलिए स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग रखते हैं पाइथन के लिए, अभी कुछ क्लासेस में पाइथन ही चलेंगे, और ये पाइथन जब हो जाएगा, है ना, देन हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग बहुत फास्ट चलने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप लोग कौन सा आईडी यूज किया था, आप लोगों ने बताइए आईडी कौन सा यूज किया था,
ये विजुअल स्टूडियो यूज किया था सर। पाइथन का एक आईडिया ली आता है ना सर, एक क्या बोलते हैं आईडिया ली पाइथन विजुअल स्टूडियो यूज किया था सिस्टम पुराना हो नया हो तो ज्यादा सॉफ्टवेयर में बताऊं तो मे बी पॉसिबिलिटी ये होता है सिस्टम आपका स्लो हो जाए, और स्पेशली जब मशीन लर्निंग करेंगे तो वहां पे आपका सिस्टम स्लो हो सकता है मे बी यदि पुराना लैपटॉप है। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय जो मेरे पास है कि किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है आपको, और बहुत ही आसान है उसमें प्रोग्रामिंग करना। मैं बताने वाला हूं, आपने गूगल कॉलेब का नाम सुना होगा, सुना है सब लोगों ने? यस सर। गूगल कॉलेब तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों, आप लोगों को देखिएगा जरा सर। मैं यहां से गूगल कॉलेब खोल रहा हूं बच्चों, ठीक है? जो भी बेसिकली हम लोग काम करेंगे तो मेरा फोकस पूरा है गूगल कॉलेब पे, हम गूगल कॉलेब पे ही बताएंगे। क्योंकि अब फिर होता क्या है ना, यदि आपके पास कोई दूसरा आईडी यूज करते हो तो वहां पे आपको फिर बहुत सारे लाइब्रेरीज वहां पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको मैन्युअली वहां पे, है ना? तो वहां पे आपका जो है टास्क बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे आसान ये है कि हम ऑनलाइन लाइब्रेरी यूज करें ताकि आपको किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? सब चीजें आसानी से हो जाएंगी, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है? तो सबसे पहला देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर गौर से देखिएगा कि आप गूगल कॉलेब ओपन कर लेंगे, है ना? फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए गूगल कॉलेब में गए आप, ओपन किए, ऐसा आपको रिप्रेजेंट होगा। आपके पास लैपटॉप हो तो बेटर होगा, आप ट्राई भी कीजिए, ऐसा आपको ये चीज आपको ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, है ना? आपको यहाँ पे कुछ बच्चों विजिबल भी होगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक न्यू नोटबुक विजिबल होगा। अब इस नोटबुक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोटबुक इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है? जुपिटर आपने देखा है, जुपिटर की जैसा ही है, बहुत सिंपल है और आसानी से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बस अंतर है कि इसके लिए इंटरनेट होनी चाहिए आपके सिस्टम, बाकी किसी भी इंस्टॉलेशन की जरूरत यहाँ पे नहीं है। यस बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस प्लीज कंफर्म। यस सर। नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नो सर, मेरे को ब्लैक दिख रहा है सर। तो आपका नेटवर्क स्लो होगा, एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए, मे बी विजिबल हो, ठीक है? और हम लोग जो सारा मशीन लर्निंग का जो प्रोग्रामिंग होगा पाइथन का होगा सारा इसी में इंप्लीमेंट करने वाला। फायदा इसमें ये है बच्चों कि आप इसमें प्रोग्रामिंग कर लिए, किसी को मान लो प्रोजेक्ट भेजना ही है तो आप आसानी से भेज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे है आपके पास, और बहुत आसान है। जुपिटर आपने देखा होगा, जुपिटर के जैसा ही है, नाम है इसका गूगल कॉलेब, है ना? चलिए एक चीज यहाँ पे सबसे पहले ये फर्स्ट यहाँ पे आ जाइए, जब आप ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक फाइल का नाम विजिबल होगा, ठीक है? तो अभी क्या है, अनटाइटल्ड वन, इसको हम चाहेंगे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पे बोल देता हूं पाइथन 01, मान लीजिए पहला क्लास है पाइथन का तो 01, है ना? देखिए एडिट हो गया, ये हमारे फाइल का नाम हो गया,
ठीक है यहां से। अब यहां पे कुछ चीजें और भी देखिए, यहां पे आपको तीन चीज दिख रहा होगा, ये देखिए ये फाइल्स है, फाइल सेक्शन है, यहां पे वेरिएबल सेक्शन है, यहां तीन बहुत सारे सेक्शंस यहां पे हैं, उससे हमें भी काम नहीं करना है, बस हमें एक फाइल सेक्शन का यूज होगा जो, और यहां पे फाइल सेक्शन में जाएंगे तो यहां पे अलग अलग चीजें हैं, यहां पे अपलोड करने का ऑप्शन है, रिफ्रेश करने का ऑप्शन है, और गूगल ड्राइव पे माउंट करने का ऑप्शन है। आप चाहो तो इस फाइल से अपने गूगल ड्राइव को भी माउंट कर सकते हो, पर ऐसे भी आप जो भी यहां बनाओगे गूगल ड्राइव पे ही जाएगा, बट फिर भी आप चाहो तो किसी गूगल ड्राइव को माउंट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, तो आप यहां से माउंट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है, अब इसी को, इसको हम सेल कहते हैं बच्चों, ये जो अभी देख रहे हो आप, इसको हम सेल कहते हैं, जो आपने पाइथन सेल का नाम सुना है, यहां पे ये सेल है, गूगल कोलैब का सेल है, जहां पे हम कोड को लिखते हैं और रन करते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात, छोटा सा मैं प्रोग्राम लिखता हूं, हम वेरिएबल बनाते हैं यहां पे, सपोज ए कॉमा बी इक्वल्स टू 10, 20, क्लियर है बच्चों। अब पूछोगे सर इसको रन कैसे करना है, तो ये विजिबल है आपको यहां पे, रन सेल, मैं यहां पे इसको रन करूंगा, देखिए जैसे ही रन किया तो यहां पे कुछ चीजें आपको विजिबल हो रही होंगी, विजिबल है आपको, रैम एंड डिस्क, डिस्क मतलब ये, रैम मतलब ये कि कितना रैम है आपके सिस्टम के यूज करने, कितना रैम है, तो वो रैम ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है ना। डिस्क के लिए ये है, ये चीजें आपको डिस्कस करता है यहाँ पे, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ये रैम बस ये कि सिस्टम जो आप रन कर रहे हो उसके लिए। आप इस पे ले गए तो देखिए आपको क्या शो करना है, वहां पे पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड, रैम 0.76 GB, और जो है आउट ऑफ कितना 12.69 GB, मतलब ये एक्चुअली जो क्लाउड पे है तो क्लाउड के हिसाब से बता रहा है आपको, है ना। डिस्क का बता रहा है स्पेस आपको, ये चीजें उस हिसाब से बता रहा है, ठीक है। आप देखिए तो यहां से करेंगे तो यहां से आपका रन करोगे तो रन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मान लो प्रिंट करना है हमें, तो हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट, सपोज ए प्लस बी, और मैं इसको फिर रन करूंगा, देखिए आपको यहां पे आउटपुट मिलेगा। तो जो भी चीज कोड रन करोगे उसका आउटपुट आपको उसी के नीचे मिलने वाला है, और जहां पे हम कोड को लिखते हैं इसको हम पाइथन सेल कहते हैं। आप इसमें एक लाइन भी लिख सकते हो, मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो। कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो सर। कंपेयर टू अदर आइडियली आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है बताइए, है ना? यस सर, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं बच्चों, यहाँ पे देखो सेल को लिंक कर सकते हो, किसी दूसरे सेल को लिंक कर सकते हो, यहां से आप किसी को शेयर भी कर सकते हो। देखो शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे जाओगे तो यहाँ पे आप किसी का ईमेल आईडी देके आप अपने फ्रेंड को या किसी को शेयर भी कर सकते हो, जो भी आपने काम इस पे परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दोगे और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कुछ आपको बोलूं अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और आप लोग समझदार बच्चे हो, मुझे जहां तक पता है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका माइक ऑन है, क्या है, कहाँ है बैठे, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने क्लास को कंटिन्यू अच्छे से कर सके और आपको भी बेनिफिट मिलेगा इसका, इतना कॉपरेट आपको करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, ओके। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। अब तो यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, यहां पे आप ईमेल आईडी डालोगे और डन करोगे, वो लिंक जो है आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा, या फिर आप चाहो तो इस लिंक को किसी और को भी सेंड करना तो यहां से आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी लिंक करोगे वो चीजें वहां से कॉपी हो जाए। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब हम प्रोग्रामिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, पाइथन पे। चलिए पाइथन पे मैं थोड़ा मतलब फास्टली चलूंगा, लेकिन हर एक चीज को लेके चलता रहूंगा। वेरिएबल बनाने के लिए सब लोग जानते हो कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स? बाकी जैसे में आप लिखते हो ना डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम,
यहाँ पे हमें इस सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू मान लो 20, तो ये हमारा वेरिएबल बन गया जिसमें हम क्या वैल्यू दे रहे हैं 20। वैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे b इक्वल्स टू सपोज a, ये क्या हो गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और आपको पता है यहाँ पे कैरेक्टर का कंसेप्ट नहीं है, बस स्ट्रिंग का कंसेप्ट है ना। चलिए अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हाँ स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो। सपोज मैं मुझे पता करना है कि इसका टाइप क्या है, ए का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, क्योंकि आप यहाँ पे तो आप जब सी सी प्लस प्लस जावा यूज करते हो तो आप तो वहां पे इंट फ्लॉट देते हो ना, तो आपको पता होता है कि ये किस टाइप का है। बट यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं लिखते, बट फिर भी हमें पता करना है कि उसका डेटा टाइप क्या है किसी वेरिएबल का। तो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारे पास टाइप फंक्शन होता है, और मैं यहाँ पे a लिख दूंगा। नाउ सी इफ आई विल रन व्हाट यू विल गेट इंटीजर, यानी a किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। एक फायदा और भी है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हमने यहाँ पे प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिखा था क्या, नहीं लिखा था ना, फिर भी प्रिंट। तो देखिए यही एक फायदा है कि लास्ट लाइन ध्यान रखिएगा, लास्ट लाइन जब आप प्रिंट करना हो ना उसके लिए आप प्रिंट अप नहीं भी यूज करोगे तो प्रिंट हो जाती है। जैसे मान लो हमें ए का वैल्यू प्रिंट करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, अब मैं इसको रन किया, देखो ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा। या एक तरीका क्या है, आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रिंट फंक्शन यूज करो, है ना, तो प्रिंट ए ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक फायदा है। लेकिन हमेशा लास्ट टाइम ये कब पॉसिबल है, बिना प्रिंट का कब पॉसिबल, लास्ट लाइन ही केवल प्रिंट। जैसे मान लो मैं ए लिखता हूँ और मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, सपोज और मैं इसको रन करता हूँ, क्या प्रिंट हुआ, ए प्रिंट हुआ क्या यहाँ पे, जो लास्ट वाला था उसका वैल्यू प्रिंट हुआ, है ना। तो एक चीज है, तो इसी हिसाब से मैं बात कर रहा था टाइप पता करने का, किसका टाइप, ए का और बी का। तो हमने ए का टाइप देखा, मैं चाहता हूं बी का टाइप देखो, तो किस टाइप का डेटा है, वेरिएबल है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बी, और जब लिखूंगा तो क्या मिलेगा, str, str मतलब क्या होता है, यस एनीवन, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ओके। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, सर टाइप फंक्शन है, सॉरी ये टाइप है, ये फंक्शन है, मतलब टाइप बताने का, हाँ टाइप एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। आप किसी का भी टाइप फाइंड कर सकते हो, जैसे ए का टाइप, यदि मैं ऐसे लिखूं ना, सपोज मैं लिखूं 20, तो ये क्या है, देखो इंट। एक चीज और, आपको पता होगा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनाते हैं, ये सर जेड लगा जे का यूज कर, जे वहां पे ऐसे तो नॉर्मली आई आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, पर यहाँ पे हम जे यूज करते, और मैं यहाँ पे सी दे दूं तो क्या होगा, देखो सी क्या आया, देखो सी कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। तो आप किसी का भी टाइप पता कर सकते हो, यहां तक कोई डाउट नहीं, वेरिएबल कैसे बना दे इसमें कोई डाउट है क्या, नो सर। चलो वेरिएबल के बाद हम बात करते हैं कि इफ्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं या फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम यस प्लीज, इनिशियलाइजेशन जरूरी है, सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए आपको क्या करना है, बताइए मुझे, बस डिक्लेयर करके छोड़ना है, यूज हम बाद में करेंगे, फायदा क्या है, तो फिर बाद ही में, उसमें तो ऐसा भी नहीं है, आप डायरेक्टली जिस जहां पे यूज करना वही यूज कर लीजिए, ये भी तो फायदा है, क्यों हम पहले से बना के रखेंगे उसको, समझ में आया कुछ, यस सर। या तो आप चाहते यूजर से इनपुट ले, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, चलिए मैं जैसे मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू, अब हम ए में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता है कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन, आपने सुना होगा इनपुट फंक्शन, अब देखो इनपुट होगा ना सर, देखो मैं इसको अभी रन करता हूँ, रन करता हूँ, मैं इसको कुछ नंबर देता हूँ मान लो सपोज, और एंटर करता हूँ, चला गया उसमें वैल्यू,
फिट भी हो गया। देखो अब एक चीज बताओ मुझे, मैं यहां पे लिखता हूं टाइप ऑफ ए, मैं लिखता हूं यहां पे टाइप ऑफ ए, सॉरी ए, तो बताओ यहां पे क्या मिलेगा मुझे। पहले तो मैं वैल्यू दूंगा, मैं यहां पे लिखता हूं ठीक है, एंटर करता हूं, क्या मिलेगा आपको, क्या मिला आपको, स्ट्रिंग। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन के हेल्प से जो भी इनपुट हम देते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना, तो इसीलिए आपको मैसेज क्या है, स्ट्रिंग। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, फ्लोट और एनी वैल्यू, देन व्हाट यू विल यूज, आपको करना क्या है, इससे है ना, इससे पहले ये लगाओ और इससे पहले क्या करो, इंट लिखो और इसको फिर क्लोज करो, है ना, कोई दिक्कत। अब देखो मैं इसको क्या, और मैं यहाँ पे देता हूँ 5 6 7, 4 5 6 देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ, क्या आया देखो, इंट आया ना, क्लियर है यहां तक। एक चीज और देखो, यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूँ ना तो कोई हमें मैसेज प्रॉम्प्ट होता है क्या, कोई मैसेज प्रॉम्प्ट नहीं होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते कोई मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं इसके साथ साथ कि यूजर को पता चले कि करना क्या है हमें, तो हम यहां पे क्या देंगे, एंटर, एंटर ठीक है, अब नंबर। और जब हम इसको रन करेंगे वो आप, है ना, जब इसको हम रन करेंगे देखिए मैसेज भी आ गया, एंटर एंड नंबर, क्लियर है। और जब हम यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे, सपोज इस बार मैं इस पे नंबर देता हूँ एफ जी एच दे देता हूँ, अब मैं मान लीजिए इसको रन करता हूँ या एंटर करता हूँ, देखो क्या हो, कुछ मैसेज आया आपको, क्या मैसेज आया देखो, नीचे पढ़ो नीचे वैल्यू एरर में देखो क्या है, हमने क्या फंक्शन स्पेसिफाई किया ए के लिए, इंट फंक्शन जो कि बेस 10 पे होता है, और हम उसमें वैल्यू क्या दे रहे हैं बताइए, स्ट्रिंग दे रहे हैं ना उसमें, स्ट्रिंग, तो वो क्या सही से जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसने वैल्यू, इसने कौन सा एरर दिया आपको, वैल्यू एरर दिया, है ना, क्लियर है। चलिए तो इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसी ध्यान रखिएगा, यहाँ तक इनपुट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट के लिए प्रिंट अप है, प्रिंट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम चलते हैं इफ एल्स पे, चलें सीधा, कुछ चीजें स्किप करते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट कर सके, जो नेसेसरी चीजें हैं वही मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। अब पूछोगे सर ये तो एक ही लाइन था, ये तो आपने बताया था, तो एक ही लाइन बताया, अब आगे हमें प्रोग्राम लिखना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखो इस पे अब जाओगे ना तो यहाँ पे आपको देखो ये प्लस साइन मिल रहा है, यहाँ नेक्स्ट सेल चाहिए तो आप चाहो तो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग एक सेल में ही कर सकते हो, बट आप चाहो तो अलग अलग सेल में भी कर सकते हो। तो आपको नया सेल चाहिए तो देखो यहां पे प्लस है या फिर यहां पे देखो प्लस, तो दोनों में से किसी भी जगह पे क्लिक करोगे, मैं यहां करता हूं, इसके नीचे एक सेल अपेंड हो गया, इसके नीचे एक सेल क्या हो गया बच्चों, अपेंड हो गया है ना, ऊपर से इंडिपेंडेंट रहेगा क्या सर, कि ऊपर से रिलेटेड रहेगा वो सर, तो भी आप अपेंड कर सकते हैं, अभी तो देखो ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो आप देखो ऊपर, ऊपर देखो इस पे जा, देखो ऊपर भी अपेंड हो गया है ना, मतलब सर अगर ये दूसरा सेल बनाते हैं हम सर, हाँ, और पहले सेल का कोड और दूसरे सेल का कोड हम मतलब डिफरेंटली दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट अलग अलग रन करा सकते हैं ना, मैं समझ गया, देखो एक काम करता हूँ मैं, चलो ये कॉपी कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत, इसको इस सेल में डाल देता हूं और यहां पे मैं दे देता हूं ये, यहां पे जो हमने वेरिएबल वहां पे ए लिया था इसको मैं ले देता हूं बी ठीक है, दो सेल अलग 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 सेल हो गया। चलिए अब हम यहां पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी, आप यही बोलना चाह रहे थे तो क्या ये ए प्लस, यस सर। चलिए तो पहले मैं अब सेकंड वाले में टाइप में सर ए ही है, बी होगा, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऐसे जरूरत भी नहीं है हमें, बस जस्ट फॉर मैंने प्रीवियसली दिया था तो मैं इसलिए दे दिया। चलिए
अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या इसको मैं रन करूं? यस सर। एरर आया? यस सर। आना चाहिए था, पूछेंगे क्यों? एक स्ट्रिंग क्योंकि बोल रहा कंप्यूटेशन ना ऑपरेटर नहीं है, प्लस ऑपरेटर यूज नहीं हुआ। हमने प्रोसेस तो किया था बस, अभी तक कभी इसको रन किया हमने क्या बताइए? सेल को बस हमने कॉपी कर दिया कभी? तो इसको रन करने के लिए इस दोनों को पहले तो हमें रन करके करना पड़ेगा ना सेल वाइज, तो हमें पहले रन यहां स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको रन किया वैल्यू देंगे है ना कितना 45, एंटर किया फिर इसको वैल्यू इसमें इसको रन करेंगे है ना 56, एंटर किया। अब इसको रन कीजिए, देखिए रन हो जाएगा। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, ये सारा सेल एक दूसरे से लिंक है, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए तो यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। यस सर, मॉड्यूल वाइज भी तो बना सकते हैं सर इसमें कोड अगर आप अलग अलग सॉरी मॉड्यूल वाइज सर कोड बना सकते हैं सर अपना इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ पोर्शन यहाँ रखना है तो यहाँ रखिए, कुछ पोर्शन यहाँ रखना है तो यहाँ पे रखिए, कुछ पोर्शन जब हम मशीन लर्निंग का बताएंगे ना इम्प्लीमेंटेशन तो देखिए हम इसको फायदा वहाँ पे इसका यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है? और कोई एक बच्चे आपके साथ कुछ बताना चाह रहे थे या पूछ रहे थे शायद? यस सर, ये दूसरे प्रोग्राम में सर हम दूसरा वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं कि मतलब पिछले वाले से कोई कांटेक्ट ना आ रहा है सर। हाँ Arriving my point. हाँ, जैसे पिछले वाले से कोई वैल्यू नहीं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी इसी जो ये जो हमने लिखा है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से जस्ट वन मिनट, ठीक है? और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे और मैं इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब बताओ मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? किस ए के लिए मांग रहा है? इस ए के लिए मांग रहा है, इस ए के लिए मांग रहा है। अब यहां पे देखो ये ए यहां भी है, यहां भी ए है, कोई इशू नहीं है। ये जो ए है ना वो प्रीवियस ए है, ये ए क्या है? न्यू ए है, ठीक है? तो अब हम जब यूज करेंगे जब तक उसको हम दोबारा नहीं डिक्लेयर करते तब तक वो पुराना वाला ही यूज होता रहेगा पूरे के पूरे सेल में, ठीक है? यदि मैं मान लो यहाँ पे ए बी डिक्लेयर नहीं करता तो प्रीवियस वाला ही कहीं से कहीं होता यूज होता रहता है, पर अब हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है तो लास्ट डिक्लेयर कौन सा है बताओ? यही है ना फर्स्ट, मतलब लास्ट डिक्लेयर में करेंटली लास्ट डिक्लेयर कौन सा? यही ए वाला है, तो ये काम करेगा। देखो मैं 45 जब यहाँ पे दे देता हूँ, 65 एंटर किया सेकेंड नंबर के लिए, 45 एंटर किया और देखो यहाँ पर रिजल्ट। तो अब ये ए और ये ए में दोनों में अंतर है या नहीं बताइए? अब मैं इसको भी रन करके देखता हूँ, ठीक है? मेरे पास 78 और इसको मैं रन करता हूँ 45, 56, ये तो दोनों ये अलग है या नहीं बताइए? Yes, sir. Actually, A ही है, बट अंतर है कि ये पहले उसको हमने डिक्लेयर किया था, ये बाद में हमने डिक्लेयर किया, ठीक है ना? तो आई थिंक जो इनका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. तो अब हम लोग थोड़ा बढ़े आगे, ऐसी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हो तो जितनी बनाई आपको आ रही होगी, याद आ रही होगी, ठीक है ना? तो मैं बात करता हूँ इफ एल्स, यानी फिर मैं बात करूँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करूँ। ऑपरेटर्स आप सबको आता है? ऑपरेटर्स, चलिए ऑपरेटर्स में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन आप जानते हो? यस सर। चलिए तो किस ऑपरेटर में आप लोगों को दिक्कत है बताइए, मैं उस ऑपरेटर को बताऊंगा। अच्छा बताओ मुझे कि हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम किस कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? मॉड परसेंट, मॉड परसेंट, मॉड मॉड परसेंट। कैसे यूज करेंगे बताओ मुझे, जैसे
अब मैं यहाँ पे एक पोर्शन भी एक चीज और मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन हटा देता हूँ मुझे, क्योंकि बार बार हमें इनपुट फंक्शन रन करना होगा, तो मैं एक नंबर ही लेता ताकि मैं फटाफट एडिट करके उसको फटाफट ठीक कर सकूँ, ठीक है, कंफर्टेबिलिटी के लिए। बाकी आप इनपुट लेने के लिए आपको आ गया होगा, आपको याद आ गई होगी, यस है ना। अब सिंपल थोड़ा रखते हैं कि मान लो मैं रखता हूँ ए इक्वल्स टू 45 ताकि चीजें आप सिंपल रहे, है ना, एंड बी इक्वल्स टू 3 ऐसा मैंने रखा। और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सपोज ए बाई बी, तो बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे बताओगे कोई? 3 होगा सर। होगा, चलिए देखते हैं कितना होगा। 3 नहीं है, ये पाइथन है, इसमें कितना होगा 3.666665 इस तरह से, ठीक है। इसी पे मैं ऐसा लिखूं, मुझे केवल, अब इसमें देखिए 3 चीजें हैं, मुझे केवल होल पार्ट ही चाहिए, तो क्या करेंगे हम, मतलब पॉइंट के बाद हमें नहीं चाहिए, 0.4f डाल दें, तो हम क्या यूज करेंगे, डबल स्लैश, मतलब डबल डिवीजन साइन यूज करेंगे थोड़ा। अब क्या आ गया बताइए, ठीक है, मुझे रिमाइंडर चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, परसेंट साइन यूज करेंगे सर, यूज करते हैं इसको, कोई डाउट? No, sir. तो ये सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर था जिसमें बेसिकली इसी में बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देन कम्स टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट इज कॉल्ड, एक पेज और सर मैं यहां से ले लेता हूं उसको, मैं कुछ यस पहले से ले लेता हूं, ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन से पता है आप लोगों को? यस सर। ओके, सो नाउ टेल मी ए लेस देन बी, आगे कितना होगा, इसको मैं रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा ये बता दो। फॉल्स। बिल्कुल, और इसको मैं ऐसे करूं तो लेस देन इक्वल टू करूं, फॉल्स, तो भी फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल टू करूं तो ट्रू, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, यस सर, ग्रेटर देन ये सब जानते हो आप, ये कंडीशनल ऑपरेटर में कोई डाउट आपको? बिल्कुल नहीं, नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। अब कंडीशनल के बाद क्या आता है, लॉजिकल ऑपरेटर। Yes, sir. Yes, sir. अब लॉजिकल में आप लोग लॉजिकल एंड का नाम सुना होगा, आपने सी में भी सुना होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे कैसे यूज करते हैं एंड बताएंगे, इसके लिए क्या है? A, N, D, or, or. Yes. लिखते हैं सर। हाँ, तो मान लीजिए मैं ऐसा लिखूं less than P, हम एक कंडीशन और भी देना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, एंड एंड, यस सर। तो यहाँ पे हम प्रीवियस सी या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यहाँ पे सिंबल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, एंड और लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए तो बताइए, अब मैं ऐसा लिखूं कि ए इज ग्रेटर देन 6, तो क्या होगा इसका रिजल्ट? फॉल्स। फॉल्स आएगा सर। क्यों फॉल्स होगा? दोनों कंडीशन सर, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए सर। अच्छा, ये मुझे बताइए, जैसे है ए लेस देन, दोनों कंडीशन सही होगा तभी वो ट्रू देगा। हाँ, तो दोनों कंडीशन होना चाहिए सेटिस्फाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी क्या है यहाँ पे, पहला कंडीशन आपका फॉल्स था, सेकंड ट्रू था, लेकिन एंड है ना, एंड मतलब आपको पढ़ा होगा आपने एंड गेट का प्रिंसिपल। यस यस, दोनों कंडीशन होना चाहिए, यदि फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स है ना।
अच्छा एक चीज बताओ मुझे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपको, यहाँ पे मैं थोड़ा मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट प्रिंट और मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइव। चलो अब मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। False and five. False and five देखो क्या रिजल्ट है। क्यों सर? बस यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों बताइए फिर मैं बताता हूँ। यस एनीवन, पता है आपको एक चीज कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस है ना, कि यदि पहला कंडीशन इसने देखा और पता है एंड है, एंड ने पहला कंडीशन देखा ये फॉल्स हो गया, तो वो ये बिलीव कर लिया कि रिजल्ट पूरा का पूरा फॉल्स ही होने वाला है। वो सेकंड कंडीशन को देखता भी नहीं है, चेक भी नहीं करेगा। वो यदि चेक करता तो ये क्या प्रिंट करता, यहाँ पे फाइव प्रिंट करता ना। समझ में आया आपको? नहीं सर, नहीं समझ में आया सर, ये फाइव प्रिंट कैसे करता है? आ गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया सर। मैं बोल रहा हूं आगे बढ़िए सर। नहीं सर बताइए ना सर इसको आगे क्यों बढ़िए सर। देखिए ये कर, ये क्या है, लेस देन है ना? यस सर। ये फॉल्स है या ट्रू है बताइए, क्योंकि सर वो छोटा है सर। पहली बात, एंड एंड का वैल्यू ट्रू कब होता है? जब दोनों ट्रू हो। दोनों ट्रू हो तो एंड में ये पहला सबसे पहले पहले को देखेगा ना, पहले पार्ट को देखेगा कि पहला ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है तो yes, ये एज्यूम कर लेता है यदि पहला ही फॉल्स है तो आप कोई भी केस हो रिजल्ट तो फॉल्स ही होने वाला है। यस सर, यस सर। तो इसीलिए वो इस पार्ट को चेक भी नहीं करता है। ओके सर, ठीक है। और इसीलिए इसने क्या रिजल्ट दे दिया, फॉल्स दे दिया, फॉल्स। बट यदि मान लो यहाँ के बाद वो इसको चेक करने के लिए जाता तो फाइव भी प्रिंट करता यहाँ पे, है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे और दे देता हूँ, अब मुझे बताओ क्या होगा। सर ट्रू ट्रू हो जाएगा सर, क्योंकि सर एक स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या होगा, ट्रू फाइव प्रिंट करेगा। चलो देखते हैं फाइव प्रिंट हुआ, क्यों प्रिंट हुआ? यस सर, क्योंकि एक स्टेटमेंट ट्रू है सर। और मतलब कहता है आपको और में पॉसिबिलिटी कोई एक भी जरिए, वो क्या सोच के चलता है ना कि कोई एक भी हमारा ट्रू हो जाए तो हम रिजल्ट ट्रू कर देंगे, यही सोच के चलता है वो। तो उसने देखो पहला, देखिए पहला जो एंड क्या सोचता है ना कि दोनों होगा तभी ट्रू होगा, वही वो उसका टारगेट वही है कि दोनों ट्रू हो तभी हो। तो वो इसीलिए पहले को चेक किया था और पहला ही फॉल्स हो गया तो दूसरे को चेक भी नहीं किया। बट और केस में देखिए यहाँ पे क्या है, उसने पहला चेक किया फॉल्स हुआ तो उसने स्टॉप नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमारा ट्रू होगा ना, काम हो जाएगा। तो वो दूसरे को देन चेक करता है, तो पहले को चेक किया फॉल्स था, दूसरे को चेक किया। तो आखिर देखो इसके अंदर में कोड है क्या था, वो एक्सक्यूट हुआ, फाइव रिजल्ट आया आपको। या सुनो कोई दिक्कत? और यदि मैं इस पूरे को मैं क्लोज करके मैं इसको प्रिंटर प्रिंट के अंदर बंद कर दूं तो देखो क्या होगा, और मैं इसको प्रिंट के अंदर बंद कर दूं तो अब रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताओ, फाइव और एक मिनट, जस्ट वन मिनट, जस्ट वन मिनट, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, ये सही है, ये फाइव सही है, हाँ यहाँ पे तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ हाँ ठीक है, तो फाइव आया आपको, कोई दिक्कत? कहने का मतलब लॉजिक समझ में आया आपको? अब इसी में देखिए और में एक और भी प्रॉब्लम है, और में एक प्रॉब्लम और में भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूँ अभी, देखिए अभी मैंने क्या बोला था आपको कि पहला फॉल्स था तो उसने दूसरे को क्या किया, चेक किया ना। मान लीजिए ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि पहला अभी तो फॉल्स था तब चेक किया, हम पहले को ट्रू कर देते हैं, अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा। True.
ट्रू एंड फाइव फाइव ऐसा क्यों? एक सही तो वो रिजल्ट सही हो जाता है। हाँ यहाँ पे देखो वो इसी के जैसा बिहेव कर रहा है, किसके जैसा? एंड के जैसा। पहले को देखा, उसको पता है कि एक भी ट्रू हो जाएगा तो हमारा ट्रू हो जाएगा। पहले को देखा ट्रू है, चलो बाकी को कौन देखता है, वो नहीं देखता है। और देन रिजल्ट क्या दे दिया आपको? ट्रू दे दिया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये एंड और का ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप कभी भी प्लेसमेंट पेपर्स दोगे या प्लेसमेंट में कोई एग्जाम दोगे, है ना, तो प्रोबेबिलिटीज वहां पे ऐसी चीजें रहेंगी तो आप कंफ्यूज कर सकते हो, तो इसको ध्यान रखिए। आप कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों? नहीं सर। चलिए ये पार्ट हो गया आपसे, इतना डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है बताओ मुझे? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हाँ, तो उसको कैसे यूज करते हैं? प्लस इक्वल टू, डबल इक्वल टू, प्लस माइनस, ये सब सर। तो उसको कैसे यूज करते हैं? वही जो ये जो हमने असाइनमेंट ही यूज किया है ना, ए प्लस इक्वल टू बी, ए प्लस इक्वल टू बी, इक्वल टू बी, तो ये तो असाइनमेंट हो गया। कितना रिजल्ट आया बताओ मुझे? यहाँ पे ए, ये सर बता रहे हैं, रुकिए सर बता रहे हैं सर, ऊपर वाले दोनों को जोड़ देगा सर। कितना रिजल्ट आया? मैंने कितना वाला किया इसको बताओ? इस कोड को मैंने देखो, ए का वैल्यू कितना था? 17 था। जब मैंने पहली बार इस कोड को रन किया था तो क्या हो गया? ए में ए का वैल्यू 11 है ना, बी का वैल्यू 3 है। तो जब हमने पहली बार ए प्लस इक्वल टू किया तो क्या हो गया? ए में ए प्लस बी हो गया। ए में क्या शुरू हो गया? ए प्लस बी, मतलब 11 प्लस 3 14, 14 फिर ए में शुरू हो गया। एंड देन फिर से हमने इसको रन किया था, याद है आप दोबारा, तो वो फिर से 3 उसमें ऐड हो गया, तो वो कितना हो गया? 17 हो गया। और लास्ट में प्रिंट जब हम कर दे तो 17 मिला। ठीक है, यानी लास्ट वाला सर जो रिजल्ट है उसको मेमोरी पर स्टोर करते रहता है सर। हाँ, जो नया तो उसको ऐड करते जाएगा। हाँ, वही बात है ना। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं जैसे कमेंट लाइन में दे देता हूँ, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। कोई दिक्कत? तो इट इज सिमिलर टू दिस। इसी को आप देखो, आप अब इक्वल टू के लेफ्ट में भी सेम है, राइट में भी सेम है, तो आप फिर इस तरह से इसको यूज कर। सो शॉर्टकट कहते हैं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड बोलते हैं इसको बेसिकली। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट हैंड। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों बात आती है बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में क्या यूज करते हैं, कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एंड का सिंबल यूज करते हैं, और का सिंबल यूज करते हैं। तो मुझे बताइए एक चीज कि बिटवाइज में यूज करता हूं ए, ए कोस्ट में मान लो 4 दे देता हूं। यस सर। और बी कोस्ट में दे देता हूं यहां पे 5। और मुझे बताओ ए भी कितना होगा? यही होता है? यस सर, इसका एंड ऑपरेशन होगा सर। एंड ऑपरेशन होगा, ये यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस सर। देखो क्या ये सही है? तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ मुझे? 4। ऐसा क्यों 4 आया फिर बताओगे मुझे आप से? सर इसमें होता है ना सर, बताइए क्या होता है सर? भूल गए हैं सर। एनीवन? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना भूल गए हैं सर कि कैसे परफॉर्म करते हैं। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद करते हैं सर। बिटवाइज को हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कहते क्यों? एनी आइडिया? सर
बिटवाइज ऑपरेटर, तो हम बिटवाइज ऑपरेटर क्या देखे कोई बताइए आप में से। और एक चीज मैं नेक्स्ट क्लास से कैमरा ऑन करवाऊंगा आप लोगों को, है ना, अगले क्लास से बैठिएगा अच्छे से प्रॉपर्ली कहीं पे। डीएचजीबी टेस्ट 9 घंटा पढ़ना है, कैसे पॉसिबल? सॉरी सॉरी कुछ बोला चाह रहे थे सर? डीएचजीबी देता ही है पैक और 9 घंटे क्लास कैमरा ऑन कैसे हो सकता है सर? यस सर, जब बाइनरी नंबर में सर सामने वाला मतलब अगर दोनों 1-1 है तो मींस 1 हो जाता है, ठीक है सर, एंड ऑपरेशन में। जिसकी वजह से तो कहने का मतलब यहां पे कुछ ऐसे होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस तरह से जब मुझे हां मैं ऐसे बताता हूं आपको, विजिबल है आप सबको? चलिए यहां से मैं थोड़ा सा एनोटेशन ऑन करता हूं। चलिए कुछ ऐसा होगा, जस्ट अ मिनट, just 1, 2, 3, 4 बस सर, 6, 7 यस प्लीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए यस सर, जैसे हम 4 की बात करते हैं, ये मान लेते हैं ए है और ये क्या है आपका बी है, तो क्या होगा 0100 इसको हम लिखेंगे ना 0000100 ऐसा। सर इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है सर, खाली 4 बिट में नहीं लिख सकते हैं आप? कोई बात नहीं, 4 बिट में भी लिखिए आप, सेक्शन बिट में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बट नॉर्मली हम बाइट के फॉर्म में मान के चलते, सिस्टम हमारा बाइट एड्रेसेबल होता है तो मिनिमम 1 बाइट तो वो लेता ही होगा वेरिएबल के लिए कम से कम। यस ठीक है, अब देखिए तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0101 और इस पे अप्लाई कौन सा करना है हमें, एंड ऑपरेशन। चलिए तो उसके हिसाब से मैं बात करूं तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा 0000100 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है। तो क्या होगा आपको पता है n, अब देखिए एक चीज और, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिटवाइज को बिटवाइज क्यों कहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन बिट लेवल, बिटवाइज नंबर पे एवरी बिट, एक्चुअली उस नंबर पे नहीं अप्लाई करते हैं, उस नंबर के जो बिट्स होंगे ना उसके करेस्पॉन्डिंग बिट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। क्लियर है? So, अब देखो yes, इसके करेस्पॉन्डिंग बिट पे काम करेगा, इसके करेस्पॉन्डिंग बिट पे काम करेगा, चलिए इसको बिटवाइज। तो देखो 0-1 का एंड क्या होता है, 0 ही होगा, 0-0 का भी 0 होगा, 1-1 का 1 होगा, 1-0 का 0 होगा, 0 सारा 0 होगा। तो देखो इसका रिजल्ट जो आया अब क्या है, 4, इसलिए आपको 4 आया था, यस और नो? अब इसी को मैं ऐसे कर दूं और कर दूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा, 9 क्यों हो जाएगा, 5 हो गया ऐसे, देखिए देखिए रीजन, देखिए रीजन, अब इस पे हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई हम क्या करने वाले हैं बताइए, और ऑपरेशन, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे और ऑपरेशन, तो क्या होता है आपको पता है, 0-1 यस सर, 1-0-1
जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, ये वन होगा, बाकी सारा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये फाइव ही होगा ना? यस सर, यस सर, फाइव होगा। ये आपका क्या हो गया, बिटवाइज एंड बिटवाइज, एक बिटवाइज नॉट बी आपको यस सर, बिटवाइज नॉट कैसे काम करता है बताओगे मुझे? क्या सर? बिटवाइज नोट कैसे काम करता है? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट साइन लेते हैं सर। टिल्ड साइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पता नहीं क्या बोलते हैं। यस सर, इसी को। क्या रिजल्ट आएगा बताइए मुझे? यस यस बच्चों, इसमें सर प्लस जिसका करते हैं ना सर, उसमें प्लस पता नहीं सर, याद नहीं आ रहा है। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी बात है, ये क्या करता है कि पहले तो नंबर आएगा, नंबर को बिट में कन्वर्ट किया, जितने भी बिट लेता होगा जितना भी साइज होगा उसका, और उसको क्या करता है, जितने भी बिट है उसको जीरो को वन, वन के जीरो कन्वर्ट कर देता है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर आएगा वही आपका ये रिप्रेजेंट करता है, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं या निगेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? निगेशन। सर जीरो को वन में, वन को जीरो में सर। हाँ, कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हो आप, ठीक है? तो किसी भी नंबर को करस्पॉन्डिंग वो चेंज करता है। अब देखिए यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे, अब पूछोगे सर कैसे, ये चीजें ऐसे फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि अब मान लो एक कितना बाइट लेता होगा, फोर बाइट कितना बाइट लेता होगा, उसके अकॉर्डिंग सारे बिट को करना पड़ेगा ना हमें, तो इट विल टेक टाइम। तो एक काम करते सर, जब ये करस्पॉन्डिंग करेगा सर, चेंज करेगा, तो सर माइनस फाइव कैसे होगा? वही मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो तो, है ना, सुनो। तो उसी के लिए बता रहा, जैसे मान लो ये यही है आपका नंबर, सो करेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब देखो रेंज बात होती है, रेंज बात होती है, इसी के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए याद रखिएगा हमेशा, उतने डिटेल में जाने से अच्छा है कि सिंपल आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी किसी का आप निगेशन करते हो ना, कोई भी नंबर है तो मान लो एन का, तो क्या करो, माइनस साइन लगाओ, एन प्लस वन करके माइनस साइन लगा दो, वही उसका रिजल्ट होगा। अभी कैसे होता इंटरनली, इसके लिए हम आपको कभी स्पेशल क्लास लेके बता देंगे, ठीक है? क्योंकि ये इसको मैं डिस्कस करने जाऊं तो फिर हमें पूरा वो ड्रॉ करना होगा जितने बीट का। सर माइनस फाइव कैसे आएगा, खाली सर ये बता दीजिए सर। माइनस देखो यहाँ पे एन का वैल्यू भी मान लो कितना है, फोर है ना? यस सर। अब ये फोर है तो देखो फोर प्लस वन, यस सर, फाइव से माइनस, तो ये इस तरह से वैल्यू आता है, ठीक है? आप कभी ये पढ़े हो क्या, साइक्लिसिटी पढ़े हो नेचर? नहीं। पढ़े हो साइक्लिसिटी ऑफ डेटा टाइप पढ़े हो? क्या बोल रहे सर? साइक्लिसिटी ऑफ डेटा टाइप पढ़े हो क्या? जैसे मान लो हर एक डेटा का रेंज होता है ना यहाँ से यहाँ तक, मान लो yes, है जैसे जीरो से लेके, या ऐसे समझो ना, जीरो से लेके मान लो डेटा टाइप का रेंज होता है ना, समझ नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है सर। तो रेंज होता है, मान उस रेंज से जैसे आप बाहर चले जाओगे, मान लो एक रेंज है इसका, इससे बाहर चले जाओगे तो क्या होता, फिर वो कुछ ऐसे वैल्यूज प्रिंट कर लेता है जो उस रेंज से बाहर का वैल्यू होता है, तो वही आपका माइनस फाइव, मतलब जहां से खत्म हुआ वहीं से वो नंबर स्टार्ट हो जाता है ना? उसके बाद सर गार्बेज वैल्यू देता है, जैसे सर इंट वाला जो बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है ना, रेंज है। जैसे इंटीजर का रेंज क्या होता है बताओ मुझे, तुम ही बताओ मुझे क्या होता है पाइथन में सर? नहीं कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में बताओ, नहीं इनका कितना रेंज होता है? माइनस वन टू एट से वन टू सेवन, माइनस वन टू एट, एक सौ अट्ठाईस से लेके एक सौ सत्ताईस तक, प्लस एक सौ सत्ताईस तक। तो जैसे जीरो होगा इधर पॉजिटिव आएगा, इधर क्या आएगा निगेटिव आएगा, रेंज होता है एक लिमिट होता है, यस सुनो बच्चों, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ये होता है कि माइनस 32,000 वाला होता है, 768 जो रहता है प्लस 2,000, क्या चीज़, माइनस 32,768 सर, ऐसे ही कुछ होता है यहाँ से। 32,000 वो इंटीजर का रेंज बता रहे हैं आशीष,
नहीं नहीं वो वहां पे वो चीज नहीं जाना है, हम रेंज पूछ रहे हैं। रेंज जैसे किसी भी मान लो डेटा टाइप का साइज 8 है, 7 है, बाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग कितना होगा। आप तो सी में पढ़ा होगा, आप सी प्लस प्लस जावा में। यस सर, 4 होगा तो सर 2147। हाँ तो उसके हिसाब, चलो सी का एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए। देखो मान लो सिंपल ऐसे शॉर्ट इंट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे मान लो 1 बाइट लेता है या 2 बाइट लेता है, तो 2 बाइट के अकॉर्डिंग मान लो कितना हो गया, देखो 16 बिट। 16 बिट का मतलब रेंज इसका कहां से जाए, मान लो जाएगा तो 0 से पहले तो होगा माइनस 2^15 से लेके 0, और इधर पॉजिटिव में कहां जाएगा प्लस 2^15 माइनस में। ये सुना है आपने रेंज? Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, जब इसका एक अपर वैल्यू होता है, इसका एक लोअर वैल्यू होता है, जब अपर वैल्यू से इंक्रीज हो जाता है तो वो सीधा ऐसे करके मूव करना शुरू करता है, ठीक है, समझ में आया कुछ। जैसे इसके रेंज से बाहर का वैल्यू जाएगा तो वो ऐसे मूव करना चलता है, इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो वो क्या जो भी वैल्यू आता है वो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी को यहाँ भी उसी तरह से ये भी आपका निगेशिएशन भी काम करता है, ठीक है। अब हम सारे को देखो, अब तुम ही बताओ मुझे, यही जो 4 है ना, तो ये निगेशन करने पे ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा सारा का सारा क्या हो जाएगा बताओ, सारा 0 ही होगा ना पूरा, इसके बाद सारा 1। अब उस 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालो तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्टिकुलर वैल्यू आएगा जो कि इसके रेंज से बाहर का होगा, मे बी यस और नो, कोई डाउट है? साइक्लिसिटी आप लोग नहीं पढ़े उसी में क्या? पढ़े हैं सर। तो चलो अभी सिंपलिसिटी के इतना ही रखो कि जब भी आपको निगेशिएशन पूछे ना, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब सर एक साइकिल होता है सर कि माइनस से शुरू होकर माइनस तक प्लस तक जाता है। जैसे मैं सर इंट अगर 4 बाइट का है सर, तो मान लो 2147 लोगे जो इसके रेंज से बाहर का होगा, मान लो जैसे सिंपल सी बात देखो ना, इसके अकॉर्डिंग एरर देगा सर, इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा बताओ मुझे, जो भी वैल्यू आएगा, आप वैल्यू बड़ा ले लोगे उसके रेंज से बाहर तो वो क्या करेगा फिर, वहां एरर देगा सर। एरर नहीं, यहां पे क्या करता है, वहां तक देने के बाद वो सीधा क्या करता है कि उल्टा शुरू हो जाता है, जो मैंने इसी को साइक्लिसिटी बोलते हैं ऐसे करके। या आप इधर से नेगेटिव ज्यादा करना शुरू करोगे रेंज से बाहर जाएगा तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू कर जाएगा, कुछ ऐसा होता है। यस सर, आई गॉट इट। ठीक है, तो उसी तरह से यहां भी कुछ निगेशिएशन है। आप ये क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिसिटी, बिटवाइज नोट, वो भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। तो सिंपली याद रखने के लिए आप रखोगे कि फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एन प्लस 1, ठीक है, जिसका अभी निकालना हो, जैसे अभी 4 है तो क्या होगा 5 माइनस 5 हो जाएगा, मैं 7 बोलूं तो क्या होगा माइनस 8 हो जाएगा, आसान रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्स भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सिंपली 2 मिनट क्या सेकंडों में ऐसे कर दोगे, या सुनो। चलिए इसको मैं क्लियर करता हूँ, और आज के लिए मैं आई थिंक इतना ही रखता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा रिविजन करके आइएगा, ठीक है, बाकी चीजें और भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस ले लेता हूँ बाकी बच्चों का, जस्ट 1 मिनट। सर एक चीज और, ये किसी को गूगल कॉलेज यूज करने में किसी को दिक्कत है? नहीं सर। फायदा ये है सर, इसके बदले आईडी यूज कर सकते हैं कि नहीं, आप यूज अगर हमारी मर्जी हो तो सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, देखो कि आईडी में जब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसमें, इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, बस इंपोर्ट करो और यूज करो, ऐसा फायदा है आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑनलाइन स्टोर हो जाएगा, आपको किसी को शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उससे भी फायदा है कि क्यों मेमोरी में आप 500 MB 400 MB स्पेस ऑक्यूपाई करवाओगे, ये फायदा है सर, यही सही है सर, सबसे बड़ा ये चीज। क्योंकि मेरा सिस्टम पुराना है तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो इसीलिए मैं इसको यूज करूं ताकि जो है सॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना पड़े हमें, ठीक है। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, अटेंडेंस आप लोग बोलेंगे थोड़ा सा। चलो एक चीज मैंने देखा कि सारे बच्चे अपने नाम से पहले B1 B2 लगाए हुए हैं क्या? यस सर।
चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग अटेंडेंस अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं लगा, जैसे एमडी सादिक आपका नहीं लगा हुआ है, आप किस बैच से बिलोंग करते हो? बैच वन। बैच वन से, ठीक है। तो आप लोग अटेंडेंस में बना दूंगा, ठीक है बच्चों? कोई डाउट है तब तक पूछ सकते हैं आप लोग, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सर, डीप लर्निंग में क्या अंतर है सर? हाँ सॉरी, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? देखिए पहली बात समझिए यहाँ पे कि, चलो मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर, वैसे अगली क्लास में करने वाला था, चलिए कोई बात नहीं। पहली बात तो समझो कि ये एक एरिया है, इसको हम एआई कहते हैं। एआई समझते हो? यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी के अंदर आपका, इसी का सब पार्ट क्या है आपका? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, ठीक है। और मशीन लर्निंग के अंदर ही का ही पार्ट क्या है आपका, जो आपने पूछा ना, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक्चुअली होता क्या है, देखिए एआई तो एक तरह कंसेप्ट है, केवल कह सकते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहां भी मशीन लर्निंग ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग है, इसके बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, कंसेप्ट है इसका, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मतलब एल्गोरिदम का भी कुछ लिमिटेशन है। अब जैसे हमारे पास डेटा सेट का नाम सुना, डेटा सेट क्या होता है, सुना है आपने डेटा सेट? डेटा सेट नाम सुना है क्या होता है? चलो सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा वेदर फोरकास्टिंग डेटा सेट सर? हाँ डेटा सेट कलेक्शन ऑफ सर डेटा होगा सर, इसको एनालाइज करेंगे हम कोई डिसीजन लेने के लिए सर। हाँ, तो डेटा मतलब जैसे कि मैं बात करूं सिंपल सी बात वेदर के बारे में, तो वेदर के बारे में डेटा सेट होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है कि किस साल के किस दिन किस आवर में कैसा टेम्परेचर था, क्या ह्यूमिडिटी था, ऐसा ही कुछ। तो वेदर फोरकास्टिंग जो बच्चों होता है, कभी सोचे हो कैसे होता है वेदर फोरकास्टिंग? यस सर, बहुत सारा डेटा हम फीड करते हैं एल्गोरिदम में, वो हमको कैलकुलेट करके एक एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली बता देता है। वो जो डेटा जो हमें चाहिए वो फिट करते हैं ना, तो वो क्या 2-5 दिन का डेटा होता है उस पे काम हो जाएगा हमारा? नो सर। जैसे देखिए सिंपल सी बात मुझे ये बताइए आप मुझे कि, अच्छा ये बताओ कोरोना जो है अभी का जो हालत है और पिछला दो लॉकडाउन भी आपने देखा, ठीक है, तो आप इस लॉकडाउन में इस पे कुछ एनालाइज कर सकते हो कि नहीं प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे? यस सर। कर सकते हो? यस सर। यस सर कर सकते हैं। देखो 2 साल का ही है, 2 साल से ना कोरोना है, तो उसके बेस पे आप yes, sir. वैसे तो इस साल क्या होने वाला कुछ अंदाजा लगा देते हो। वैसे yes, sir. कुछ जो वैसे ही हमारे कुछ लोग गांव में बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से खेती करते हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं 20-25 साल से, तो उनको देखते मौसम को देख के वो आइडिया लगा लेते हैं कि मौसम कैसा होने वाला है इस बार का, उपज कैसा होगा, ऐसा कर लेते हैं कि नहीं करते, कभी देखते हो? और कहीं ना कहीं उनका मतलब एक्यूरेसी अच्छा होता है, वो सही मतलब प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है और उसके बेस पे हम क्या कोशिश करते हैं, कुछ नई चीजों को, नए रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, नई चीज निकालने की कोशिश करते हैं, यही काम करते हैं। और यही पे आपका मशीन लर्निंग डेटा साइंस या जो कहिए डीप लर्निंग काम में आता है। डिफरेंस ये है, अभी देखो डेटा साइंस पे मैं ज्यादा जाऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिंपल ये समझो कि मशीन लर्निंग का भी एक लिमिटेशन है, जब डेटा का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम वहां पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाएंगे, या फिर सर डेटा कोई ऐसा डेटा है जो उसमें कभी फिट ही नहीं किया गया हो और उसको हो, ये भी कह सकते हैं, या डेटा का साइज बहुत बड़ा हो, या उसको डिफाइन ही नहीं किया गया हो सर, या वहां पे कहते हैं कि हमें जो एक्यूरेसी चाहिए वो एक्यूरेसी इसके थ्रू नहीं आ पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। उस जगह पे हमें इससे और भी है ना डीप एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है, डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है, डीप मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे आपका डीप लर्निंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है, जहाँ पे इसके अपने कुछ एल्गोरिदम है जो इसी के एल्गोरिदम जैसे होते हैं, बट इससे भी और भी वो डीप मतलब काम करता है, डीप मतलब इन द सेंस कि वो और भी बड़े बड़े डेटा पे काम करता है और ज्यादा वो फास्ट होता है, ज्यादा वो एनालाइज कर सकता है, इसी को डीप लर्निंग बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए। तो मशीन लर्निंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन से यदि हम बाहर उसमें से जाने लेंगे तो फिर हम डीप लर्निंग का कंसेप्ट वहां पे आता है, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चीजें हैं
हम और वो डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, हर चीज में बता दो तो मे बी बहुत सारे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले पता नहीं कि डेटा सेट है क्या, ये सब चीजें हैं, इसीलिए। तो अभी इतने रखिए कि बस ये AI का पार्ट। और आपको पता है, आपने एक डेटा माइनिंग पेपर का नाम सुना है क्या, डेटा माइनिंग? यस सर। इस सब का पता है क्या सोर्स क्या डेटा माइनिंग है, ये भी जानना। यस सर, डेटा को कलेक्ट कर किया जाता है सर, माइन किया जाता है, और उस डेटा के ऊपर एनालाइजिंग किया जाता है, एक पैटर्न ढूंढा जाता है सर, और फिर उस डेटा को यूज किया जाता है। हम लोग को कोई कंपनी अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, तो वो यूज करेगी एड दिखाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट का। और इसी ML डेटा से, इस ML मशीन लर्निंग AI का यूज करके कौन सा बनाया आपने, डेटा साइंस, अभी नाम नहीं सुना होगा आपने, डेटा साइंस, जहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम। यस सर। तो ये भी एक अच्छा, अभी मतलब कह सकते हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। एक डेटा एनालिटिक नाम सुना होगा आपने, वो सब मिलता जुलता है एक ही तरह। तो हर जगह यहाँ पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट वहाँ पे यूज में आते हैं, ठीक है। जहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, कि हमारे पास डेटा का साइज बहुत बहुत बड़ा होता है, और उस पे हमें क्या करना होता है, कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, जो कि हम मैनुअली नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? अब मान लो हमारे पास 50 साल का डेटा दे दिया जाए कि ये ऐसा ऐसा था, और आपको बोले कि बताओ मुझे पार्टिकुलर दिन का डेटा क्या होगा, टेम्परेचर या क्या होगा, हम कर पाएंगे क्या, एनालाइज कर पाएंगे अपने डेटा को एट ए टाइम? नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे कौन करेगा? तो हम यानी ह्यूमन ने फिर वहां पे एल्गोरिथम्स का हेल्प लिया, मॉडल तैयार किया, मॉडल मतलब सिस्टम तैयार किया, है ना, और जो हमारे बिहाफ में वो उस डेटा सेट को एनालिसिस करता और बताता है। पहले वो सीखता है कि डेटा सेट क्या है, लर्न करता है, और देन हमारे टास्क को फिर उसके बेस पे परफॉर्म करता है। और फिर मैं बोलूंगा उसको, जब वो लर्न कर जाएगा उस डेटा सेट को, और फिर मैं बोलूंगा अच्छा बताओ स्टेट का क्या होगा, तो वो मुझे आसानी से बता देगा कि ये डेटा है। तो यही पे मशीन लर्निंग आपका काम आता है, मतलब इसके लिए मशीन बनाते हैं। तो मशीन मतलब ये नहीं कि हमेशा फिजिकल मशीन की बात करते हैं हम लोग, जिसमें हार्डवेयर हो नहीं, मशीन मतलब होता है मॉडल, जिसको कहते हैं मॉडल, मतलब एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, एक मॉडल तैयार करेंगे, वो चीजें मैं बताऊंगा आपको, सारा चीज इंप्लीमेंट करवाऊंगा आपको। और आई थिंक मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन आप जो फाइनल प्रोजेक्ट जो जमा करते हो ना, प्रोजेक्ट है ना, तो उस प्रोजेक्ट में आप यहाँ से प्रोजेक्ट में मैं दूंगा आपको, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, सब प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा, जो फाइनल का प्रोजेक्ट होता है ना बच्चों, वो भी यहाँ से आपका काम हो जाए, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक फायदा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बताइए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और थोड़ा सा आप लोग रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, पाइथन का कर लीजिएगा, तो ताकि हम जल्दी जल्दी पाइथन खत्म करके फिर हम लोग मशीन लर्निंग पे स्टार्ट कर सके, ठीक है। ओके, ओके बच्चों, हैव अ नाइस टू ऑल ऑफ यू।